प्रमो सिद्धाडं प्रमो आयरियाडं प्रमो वज्जायाडं चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने सुख क्या है इस टॉपिक पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं सेवन एडिक्शंस के बारे में। मतलब आप सभी ने सप्त व्यसन का नाम सुने होंगे। एडिक्शंस क्या होते हैं इस बारे में सुना होगा, लेकिन जैनिज्म में भी सात व्यसन बताए गए हैं, सेवन एडिक्शंस बताए गए हैं। तो सेवन एडिक्शंस क्या है और क्यों बुरे हैं, क्यों छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसी को सेवन एडिक्शंस के नाम पता है? याद है किसी को सेवन एडिक्शंस के नाम? नहीं, चलो। हाँ, रंजन जी बता रही है। हाँ, मांस मदिरा, हाँ स्त्रीगमन, पर स्त्रीगमन, हम्म, चोरी नहीं करने का, चोरी। स्टीलिंग, हाँ, और अल्कोहल मीन्स डू नॉट ड्रिंक, मांस मदिरा, ओके, वैश्यागमन, चोरी, पस्त्रीगमन और शिकार बढ़िया, नहीं खेलने का। सही है। देखो, अपने टॉपिक का नाम है सप्त व्यसन। ठीक है, आज अपन ये जानने वाले हैं कि एडिक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और एडिक्शन एक बुरी चीज क्यों है। मतलब अपन किसी को भी कहते हैं कि किसी भी चीज की लत लग जाना, लत मतलब उससे एडिक्ट हो जाना, ये बहुत बुरी चीज है। एडिक्शन हमेशा दुखदाई होती है, मतलब हमेशा दुख देने वाली होती है। एडिक्शन किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का एडिक्शन हो, एडिक्शन ही दुख देने वाला होता है। कैसे होता है आज अपन उसको देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले सेवन एडिक्शंस। ठीक है, तो सेवन एडिक्शंस कौन कौन से हैं, इसके नाम यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिए हुए हैं, मैं चाहूंगा सभी याद कर लें इसको। ठीक है, देखो, पहला है जुआ खेलना। ठीक है, पहला क्या है? जुआ खेलना। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं सट्टा लगाना, या फिर किसी भी चीज में पैसे जिसमें दांव पर लगे रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं जुआ खेलना। सेकेंड वन इज मांस खाना। मांस भी एक एडिक्शन है, मांस खाने का एडिक्शन है। ठीक है, मीट खाना। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज जुआ खेलना, सेकंड वन इज मांस खाना, थर्ड वन इज मदिरा पान। मदिरा पान मतलब जैसे उन्होंने बताया था अल्कोहल ड्रिंकिंग करना, मदिरा। ठीक है, मदिरा मतलब ड्रिंकिंग करना। फोर्थ वन इज वेश्यागमन। ठीक है, फोर्थ वन इज वेश्या, वेश्या का वेश्या के समीप गमन करना, भोग करना, दैट इज फोर्थ वेश्यागमन। फिफ्थ वन इज शिकार करना। ठीक है, शिकार करना, मारना किसी को, किसी का दिल दुखाना, उसका शिकार कर देना, दैट इज फिफ्थ व्यसन। ठीक है, फिर है चोरी करना। चोरी करना भी एक व्यसन है, चोरी करना एक व्यसन है। ठीक है, और सेवेंथ वन इज पर स्त्री सेवन करना, पर स्त्री का सेवन करना। ऐसे सात व्यसन है, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखे टक चोरी पर नारी। मतलब एक को अगर आपको पद में याद करना हो, पद में बहुत सारी चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। देखो, एक छोटा सा दोहा है और दोहा बहुत इजी है और इसमें एक साथ आप सारे नाम याद कर सकते हो। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखे टक चोरी पर नारी। क्या बोला? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखे टक चोरी पर नारी, एही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। तो आप स्टार्टिंग की अगर दो लाइन भी याद करते हो
तो दो लाइन में आपको सातों व्यसनों के नाम बताए गए हैं। जुआ, ठीक है, जुआ तो स्पष्ट ही है। आमिष, आमिष मतलब होता है मांस का सेवन करना, ठीक है। मदिरा, मदिरा मतलब अल्कोहल। दारी मतलब स्त्री, ठीक है, तो पर स्त्री का सेवन करना या फिर बेश्या गमन करना, ठीक है। आखेटक, आखेटक मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना, ठीक है। चोरी स्पष्ट है, और परनारी मतलब पर स्त्री का सेवन करना। तो ऐसे दो लाइन में सातों ही व्यसनों के नाम है, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी, ठीक है। तो देखो, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्या गमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, ये सात व्यसन होते हैं। कोई नाम बताएगा फिर से एक बार कौन कौन से सात व्यसन होते हैं? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखे टक, चोरी, परनारी। कौन कौन से सात व्यसन है? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान, वेश्या गमन, शिकार, चोरी, परस्त्री। कोई बताना चाहेगा सात व्यसनों के नाम? देखो, आप इनको याद भी बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे दो स्त्री संबंधी है, एक वेश्यागमन और एक परस्त्री सेवन, ठीक है। एक हो गया वेश्यागमन, एक हो गया परस्त्री सेवन। तो दो तो सीधे सीधे स्त्री संबंधी है, पांच बचे अपने पास। अब पांच भी ऐसे हैं जो आपस में इंटरलिंक आप कर सकते हो। जैसे जुआ खेलना है, जुआ खेलने के साथ मांस खाना है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हो, जो आप एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हो कि कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है और जुआ खेलते टाइम पर वो मांस का सेवन भी कर रहा है और साथ में ड्रिंकिंग भी कर रहा है। तो मतलब खाने का और पीने का और खेलने का तीनों साथ एक साथ आप पिक्चराइज कर सकते हो। जुआ भी खेल रहा है, खाने के लिए मांस है उसके पास और पीने के लिए ड्रिंक है उसके पास, मदिरा है। तो तीन नाम और याद हो गए आपको, जुआ खेलना, मांस खाना और मदिरा पान करना। दो एक जैसे थे, वेश्यागमन और परस्त्री सेवन। तो आपको पांच नाम याद हो गए। अब दो बच्चे हैं, एक है शिकार खेलना और एक है चोरी करना। तो जितने भी आपने देखा होगा जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने की बहुत एक आदत बन जाती है, वो चोरी भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जुआ खेलने वाला व्यक्ति चोरी बहुत आसानी से कर सकता है। तो एक उसी के साथ आप पिक्चराइज कर सकते हो चोरी करना, और एक शिकार खेलना आप याद रख सकते हो कि मांस चाहिए, मांस कहां से आएगा कि शिकार करने से आएगा, इसलिए मांस के साथ शिकार को इंटरलिंक कर सकते हो। तो जुआ एक व्यक्ति खेल रहा है और वो खा रहा है मांस, पी रहा है मदिरा, और उसकी एक आदत है, बुरी आदत है चोरी करने की, ठीक है। अब मांस कहां से आएगा कि शिकार करने से आएगा। और इसी के साथ फिर दो स्त्री संबंधी, एक वेश्यागमन और एक परस्त्री सेवन। तो ऐसे सात व्यसन हो जाते हैं, सात व्यसनों को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान, ठीक है, और उसकी बुरी आदत है चोरी करने की, और मांस कहां से आता है, शिकार करने से, और इसके अलावा दो एक्स्ट्रा, वेश्यागमन और परस्त्री। तो ऐसे सात नाम है, बहुत ईजी है। कौन कौन बताना चाहेगा? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान, चोरी, शिकार, वेश्यागमन और परस्त्री सेवन। Easy है। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना और वेश्या गमन करना, चोरी करना, शिकार करना एंड परस्त्री गमन करना। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, एक बार फिर से कोई और बताएगा लास्ट बार? जुआ खेलना, जो बताएगा पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आप कैरी ऑन कीजिए जो भी है। अच्छा, अर्चना, मेरा नाम अर्चना है। हाँ, अर्चना जी बताइए। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापन करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, ये सब तो व्यसन है। वेरी गुड, बढ़िया। इसका मतलब आप सभी को याद हो गए, बढ़िया। चलो, तो सात व्यसन कौन कौन से हैं? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना, ये सात व्यसन कहलाते हैं, ठीक है। अभी व्यसन क्या होता है, व्यसन की परिभाषा क्या है? देखो, किसी भी विषय में लवलीन होने को अर्थात आदत को व्यसन कहते हैं। वो एडिक्शन किसका नाम है?
व्यसन किसका नाम है कि किसी भी विषय में, विषय मतलब सब्सटेंस में, अब सब्सटेंस मतलब कोई पदार्थ भी हो सकता है या कोई क्रिया भी हो सकती है, मतलब कोई कार्य भी हो सकता है, यानी किसी भी विषय में, किसी भी सब्सटेंस में इतना लवलीन हो जाना, लवलीन का मतलब होता है तन्मय हो जाना, मतलब बिल्कुल उसमें आसक्ति हो जाना कि मैं इस कार्य को किए बिना रह नहीं सकता, ऐसी लवलीनता हो जाना, बिल्कुल उसी में लीन डूब जाना, इसे कहते हैं लवलीन होना। ठीक है, तो किसी भी विषय में बिल्कुल लवलीन होने को अर्थात आदत को, हैबिट बनाने को व्यसन कहते हैं। मतलब व्यसन की एक कॉमन परिभाषा क्या है, किसी भी विषय में लवलीन होने को या उसकी आदत बना लेने को व्यसन कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी आदत बना लेना या फिर इतना लीन हो जाना कि उसके बिना काम ही ना चले। जैसे किसी को ड्रिंकिंग की व्यसन है, किसी को स्मोकिंग का व्यसन है। अब देखना, ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्मोकिंग का व्यसन है, एडिक्शन है, वो उसे छोड़े बिना रह नहीं सकते, मतलब उसे जब तक ग्रहण ना कर लें उनको चैन नहीं मिलता है, वो जब तक उसको ड्रिंक ना कर लें वो रह नहीं सकते। अगर मानो 5 मिनट भी वो वस्तु ना मिले तो आप उनकी अवस्था देखो एक बार, कितनी भयंकर अवस्था हो जाएगी, वो उसके बिना रह नहीं सकते। इसका नाम है एडिक्शन। ठीक है, तो किसी भी विषय में लवलीन होने को अर्थात उसको अपनी आदत बना लेने को व्यसन कहा जाता है। ठीक है, तो व्यसन की एक छोटी सी परिभाषा है, किसी भी विषय में लवलीन होने को और उसको आदत बनाने को व्यसन कहते हैं। ठीक है, यहां बुरे विषय में लीन होना व्यसन कहा गया है और इसके साथ भेद कहे गए हैं, लेकिन अपन यहां पर जो व्यसनों की चर्चा कर रहे हैं ये उन व्यसनों की चर्चा कर रहे हैं जो हम बुरी आदतों में बना लेते हैं, बुरे सब्सटेंस में बना लेते हैं या बुरी क्रियाओं में बना लेते हैं। ठीक है, तो जो भी अपन बुरे कार्य में, बुरे विषय में अपनी हैबिट बना चुके हैं उनको यहाँ पे सात व्यसन कहा गया है। ठीक है, आप कह सकते हैं व्यसन तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब जितने ज्यादा बुरे विषय हैं, विषय मतलब सब्सटेंस बोलो या क्रिया बोलो, ठीक है, तो जितने भी बुरी चीजें हैं, क्रियाएं हैं, ये तो बहुत सारी हो सकती हैं, सात ही क्यों कही गई है, सेवन ही क्यों कहे गए हैं। तो ये सेवन तो एक सामान्य हमने भेद करके कह दिए, वास्तव में तो दुनिया में जितने विषय बुरे हो सकते हैं वो सारे के सारे आप लगा सकते हैं, वो सारे व्यसन ही है, या तो सात भेद करके मात्र सामान्य कहे हैं और सामान्य में और भी गर्वित हो जाते हैं, मतलब ये मेन सब्जेक्ट्स है और इस मेन में और भी माइनर जितने भी हैं सब गर्वित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि दुनिया में सिर्फ सात ही व्यसन होते हैं, सात तो मूल मूल कह दिए, ऊपर ऊपर से कह दिए, लेकिन अगर गहराई में जाके देखेंगे दुनिया में जितने भी बुरी चीजें हैं, जितने भी बुरे विषय हैं, उनमें अगर व्यक्ति लीन हो रहा है इसका मतलब वो व्यसन कर रहा है, और व्यसन का सीधा सा मतलब होता है दुख, आकुलित हो रहा है, आकुलित हो रहा है मतलब दुखी हो रहा है, व्यसन का सीधा सा मतलब होता है दुखी हो रहा है, सीधा सा आप कह सकते हो आकुलित इज इक्वल टू दुख या व्यसन इज इक्वल टू दुख। जहां पर भी व्यसन है, जहां पर भी बुरे विषय में लवलीनता है, वहां पर दुख है स्पष्ट रूप से। अब क्या होता है कि सामने हम किसी व्यक्ति को देखते हैं स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो हमें लगता है ये तो बहुत सुखी है, ये तो बहुत मजे में है, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है, लेकिन अगर गहराई में जाके देखेंगे व्यक्ति जब भी किसी से जुड़ान करता है, अटैचमेंट करता है, और अगर वो अटैचमेंट ज्यादा होता है तो व्यक्ति दुखी ही होता है, 99% व्यक्ति दुखी होता है। और इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो जिस वस्तु से उसने अटैचमेंट किया है उस वस्तु को आप थोड़ी देर हटा दो वहां से, उस व्यक्ति के सामने से, और फिर उसकी आप हालत देख सकते हो कि कितना दुखी हो रहा है। यानी आप देखो व्यक्ति किस किस चीज से अटैचमेंट कर सकता है, सिर्फ अटैचमेंट की बात है, हम दुनिया में जिस भी पदार्थ से जितना ज्यादा अटैचमेंट करेंगे उतने ज्यादा दुखी होंगे। व्यसन का जो एडिक्शन अपन पढ़ रहे हैं इसका सामान्य से एक फॉर्मूला है, आप दुनिया की जिस भी वस्तु से ज्यादा अटैचमेंट करोगे आप उतने ज्यादा दुखी होगे, इसी का नाम है एडिक्शन। अभी सात तो आपने मूल मूल ऊपर से पढ़ लिए हैं क्योंकि ये दिखाई देते हैं, लेकिन जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं वो भी दुखी ही करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे के एडिक्शन क्या है, वो जुआ नहीं खेलता है, मांस भी नहीं खा रहा, मदिरा भी पान नहीं कर रहा है, उन्हें तो ये
चोरी क्या है, परिस्थिति सेवन क्या, उसका नाम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो अपन कहेंगे ये बच्चे को कोई एडिक्शन नहीं है क्या? ऐसा कहेंगे कि नहीं, उसके भी अपने अलग लेवल के एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब होता है सीधे अटैचमेंट होना, सीधे किसी भी वस्तु से ज्यादा उसमें लवलीनता होना, अटैचमेंट हो जाना, दैट इज एडिक्शन। अब हो सकता है उसे टीवी से एडिक्शन हो, अब उसको जब तक टीवी के सामने बैठा है तो ऐसा लगता है बड़े आराम से बैठा हूं, और जैसे ही आपने बाहर से आए और आपने टीवी बंद कर दी, फिर उसकी हालत देखो आप, वो क्या टीवी के बिना रह सकता है? ये सामान्य एग्जांपल है, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो, मोबाइल के प्रति बिल्कुल मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते, चाहे वो खिलौनों के प्रति हो, टॉयज के प्रति हो, एडिक्शन मतलब है सीधा अटैचमेंट होना, और इतना नॉर्मल अटैचमेंट नहीं, नॉर्मल अटैचमेंट भी चल जाए, नॉर्मल अटैचमेंट का नाम व्यसन नहीं है, नॉर्मल अटैचमेंट को एडिक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन इतना एडिक्शन कि उसके बिना हमारा काम ना चले, उसके बिना हम रह ही नहीं पाए, ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो आधा पार्टी चला गया हो जैसे, इसका नाम है एडिक्शन। तो आपने देखा होगा काफी बार मोबाइल से, टीवी से या किसी भी चीज से हमें इतना एडिक्शन हो जाता है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो मैं तो कहता हूं अगर आज के किसी आचार्य ने इन एडिक्शंस के नाम बताए होते तो उन्होंने टीवी का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन भी जोड़ दिया होता, उन्होंने कहा होता कि ये भी एडिक्शन होते हैं, इसको भी गर्वित करो। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं एक सामान्य चीजें हैं, और जुआ, मांस, मदिरा, विषयगमन, शिकार, चोरी, परिस्त्री, एक एडिक्शन के नाम क्यों गिनाए गए हैं? क्योंकि आप इसको समझना बात को, ठीक है, एक नॉर्मल साइकोलॉजी समझना कि ये आचार्यों ने नाम गिनाए हैं, ठीक है, ग्रंथों में नाम गिनाए गए हैं, अब उनकी अपेक्षा गिनाए गए हैं जो हमसे करीबन 1000 साल पहले हुए हैं या 500 साल पहले हुए हैं, उन व्यक्तियों की अपेक्षा गिनाए गए हैं, कि जो व्यक्तियों के पास पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी तो वो अपना मन बहलाने के लिए क्या करें? मतलब पहले व्यक्ति गांव में रह रहा है या जंगल का एरिया है, पूरा सिटी वहीं पर बसी हुई है, उनके पास आज की जैसे सुविधाएं नहीं है, आज की जैसे माहौल नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करते थे कि भैया अगर अपना मन बहलाना है तो क्या करो कि गांव में 10 लोग एक साथ इकट्ठा होगा और जुआ खेलने लगे, मतलब वही ताश के साथ अपना काम करने लगे, पैसा लगाने लगे, उसमें इतने एडिक्शन हो जाते हैं कि अपना घर बार सब छोड़ देते हैं, मतलब अपने पूरे घर को भी दांव पे लगा देते हैं, ठीक है। तो जुआ हो गया, ऐसी मांस खाने का एडिक्शन कि भैया अब कुछ मौज को करने के लिए कुछ है नहीं, मन बहलाने कुछ है नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा कि शिकार पे चला जाए, शिकार हो गया, मांस का सेवन हो गया, मदिरा पान करने लगेगा, विषयगमन करने लगेगा, चोरी कर, मतलब ये सारी चीजें किस अपेक्षा गिनाई गई है कि कुछ टाइम पहले, या मैं कहूँ 500 साल पहले, 1000 साल पहले, जब व्यक्तियों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी तो उस टाइम पे व्यक्ति अपना मन बहलाने के लिए क्या कार्य करते थे? तो उन्हें यहाँ पर बताया गया है कि भैया उस टाइम के जो लोग थे वो अपना मन बहलाने के लिए ये सारी चीजें करते थे, और इतने इतने एडिक्ट हो जाते थे कि अपना सब कुछ जो भी उनके पास है, पैसों से लेकर अपना इज्जत तक, सब कुछ इसमें खो देते थे, खो बैठते थे। इसलिए इनको आचार्य ने नाम दिया था एडिक्शंस। तो ये एडिक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं ये वैसे तो आज भी लागू होते हैं, सारे के सारे एडिक्शंस, चाहे वो परस्त्री हो, वेश्या हो, जुआ हो, चोरी, मदिरा, ये सारे आज भी लागू होते हैं। लेकिन मैं इसमें ऐसा कहता हूं कि इनके रूप थोड़े बदल चुके हैं। आज जैसे पहले व्यक्ति सीधा जुआ खेलता था, स्पष्ट रूप से जुआ खेलता था, मतलब 10 लोग बैठ जाएंगे, स्पष्ट रूप से जुआ खेलेंगे, वो पहले वाला जुआ था। लेकिन आज इसका रूप बदल चुका है, आज अपन स्पष्ट जुआ नहीं खेलते हैं, आज अपन मोबाइल में जुआ खेलते हैं, आज जुए की परिभाषा बदल चुकी है, हम जिसे सट्टा कहते हैं वो ऑफिशियल बन चुका है, लीगल हो चुका है, तो एक काफी सारी चीजों का रूप बदल चुका है। जैसे विषयगमन है, परिस्त्री सेवन है, पहले स्पष्ट रूप से परिस्त्री सेवन होता था, मतलब किसी पराई स्त्री के पास उसका सेवन करना, उससे भोग करना, स्पष्ट रूप से होता था, अब आज भी स्पष्ट रूप से होता है, लेकिन इसका रूप हो सकता है कई मायनों में बदल चुका है। आज अपन हो सकता है व्यक्ति घर पर बैठे बैठे टीवी के सामने परिस्त्री सेवन कर रहा हो, विषय सेवन कर रहा हो, मांस खा रहा हो, टीवी के सामने बैठे बैठे भी हो सकता है मैं मांस खाने का पाप लग जाए, उसमें एडिक्शन हो जाए, शिकार खेलने का एडिक्शन हो जाए,
तो हो सकता है इन सारी चीजें का रूप बदल चुका हो, लेकिन नए रूपांतरों में भी, नए इनके जो रूप आए हैं, इसमें भी व्यक्ति इतना एडिक्ट हो जाता है कि व्यक्ति दुखी ही होता है, आकुलित ही होता है। ठीक है, तो ये सात चीजें किस अपेक्षा है और नई चीजें किस अपेक्षा है, आपको समझना चाहिए। और मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि ये मत मानना कि एडिक्शन सिर्फ सात होते हैं, ये सात तो मूल मूल गिनाए हैं। इसके अलावा हम दुनिया में जिस भी वस्तु से अटैचमेंट करते हैं, अपना लॉन्ग टर्म रिलेशन जोड़ लेते हैं, उसमें इतने डूब जाते हैं, उसके बिना हमारा काम ना चले, वो सारी चीजें एडिक्शन है। अब वो खाने की भी हो सकती है, पहनने की भी हो सकती है, देखने की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें खाने में कोई एक विशेष तरह का पदार्थ ही अच्छा लगता है, जैसे किसी को रसगुल्ले ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब उसका इतना एडिक्शन है कि वो मीठे के बिना काम ही ना चले, तो उसका एक एडिक्शन है, उस मूवी एक एडिक्शन है, किसी का देखने का एडिक्शन है, किसी का पहनने का एडिक्शन है कि मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना है, किसी का परफ्यूम का एडिक्शन है। मतलब मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है इन सारी चीजें बदल गई हो, ये सारी चीजों का रूप बदल गया है, लेकिन एडिक्शन मतलब एडिक्शन होता है। यानी एडिक्शन हम कैसे समझे, हम कैसे समझे कि हम एडिक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो सीधा सा फॉर्मूला ये है कि आप देखो उससे आपका अटैचमेंट कितना है, जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा एडिक्शन होगा। और यदि ये समझना हो कि हम उस वस्तु से अटैचमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए सिंपल सा क्या करना चाहिए कि 2 मिनट के लिए वो वस्तु हमारे जीवन में से हटा के देख लो। आप एक कल्पना करो कि वो वस्तु हमारे पास नहीं है, तो अगर उस वस्तु के अभाव में भी हमें कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम उससे अटैच नहीं हो रहे हैं। और अगर उसके अभाव में हमें अपना जीवन ही दिखाई ना दे, हमें ऐसा लगे कि अब तो मैं जी नहीं सकता, तो इसका मतलब हमने उससे अटैचमेंट कर लिया है और इसका नाम है एडिक्शन। ठीक है, तो किसी भी विषय में लवलीन होने को, आदत को व्यसन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बुरे विषय में लीन होना व्यसन कहा गया है, इसके साथ भेद कहे गए हैं। ठीक है, अब ये जो आगे वाली लाइन है, ये मेन लाइन है कि जो जीवों में प्रमुख रूप से आकुलता पैदा करते हैं, क्या बोला, फिर से बोलता हूं, देखो, जो जीवों में प्रमुख रूप से आकुलता पैदा करते हैं और दुराचारी बनाते हैं, उन्हें व्यसन कहा जाता है। उन्हें राग द्वेष आकुलता उत्पन्न करने वाली सभी आदतें व्यसन ही है। देखो इस लाइन को मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जीवों में प्रमुख रूप से आकुलता पैदा करते हैं और दुराचारी बनाते हैं। ठीक है, राग द्वेष और आकुलता उत्पन्न करने वाली सभी आदतें व्यसन ही कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एडिक्शंस हैं, हमें तो लगता है कि ये एडिक्शंस बड़ी अच्छी चीज है, हमारा तो बहुत मन लगा रहता है, हमें आनंद मिलता है, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा होता है, वो आकुलता होती है, आकुलता। अब इस आकुलता को आकुलता समझ में नहीं आती कई बार, हमें लगता है कि हम बहुत मजे में है, हमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो जो अंदर ही अंदर आकुलता हो रही है वो हमें पकड़ में भी नहीं आती, लेकिन व्यक्ति दुखी हो रहा होता है। ये गजब की चीज है, मतलब एडिक्शन ऐसी चीज है, एडिक्शन आपको बाहर से ऐसा लगेगा बहुत मजे आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति घुटता रहता है, उस व्यक्ति के अभाव में, उस वस्तु के अभाव में व्यक्ति घुटता रहता है। अब इसका देखो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। ठीक है, एक बच्चा था और बच्चा टीवी देख रहा है। ठीक, अब टीवी के देखते टाइम पर उस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मजे में हूँ, बहुत आनंद में हूँ। सामने वाले कोई व्यक्ति देखेगा, सामने वाला व्यक्ति देख के कहेगा कि हाँ ये तो बहुत मजे में है, सामने वाला व्यक्ति भी देखकर यही कहेगा कि इसको कोई दुख नहीं है क्योंकि बहुत मजे में बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। लेकिन अगर उसका दुख का लेवल हमें पता करना है, तो आप देखो अगर उसी टाइम पे उसकी माँ किचन में से कुछ कहती है, कोई काम कहती है, तो वो तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत उसको वो टीवी छोड़ना पसंद नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पे वो अच्छा दिख भी रहा था, सुखी दिख भी रहा था, उस टाइम पर भी अंदर से वो व्यक्ति कषाय के परिणाम कर रहा था, कषायों से युक्त था। कषाय मतलब सीधे आकुलित हो रहा था, दुखी हो रहा था। उसे वो टीवी छोड़ना उस टाइम पे भी पसंद नहीं आ रहा था, मतलब वो इतना अटैच हो चुका है कि जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप उससे कहोगे कि इसको छोड़ दो, वो छोड़ नहीं पाएगा, वो उसमें उतना ही दुखी होगा।
इसका मतलब है कि उसने उससे अटैचमेंट बहुत कर लिया था, और जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा दुख होगा, सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो देखो जो जीवों को प्रमुख रूप से आकुलता पैदा करते हैं, दुराचारी बनाते हैं, ऐसे राग द्वेष आकुलता उत्पन्न करने वाली सभी आदतें व्यसन ही कहलाती हैं। ठीक है, तो एक सामान्य व्यसन का परिभाषा है। और देखो निश्चय से तो आत्मा के स्वरूप को भुला दे, मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष परिणाम ही व्यसन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई परिभाषा इन्होंने बताई है, और इन्होंने कहा है कि भैया राग और द्वेष ही व्यसन है। क्या बोला? राग और द्वेष का नाम ही व्यसन है। यानी अपन ने राग द्वेष के संबंध में एक चर्चा पहले करके आए थे अपन, ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने एक राग द्वेष संबंधी चर्चा की थी, और राग द्वेष संबंधी चर्चा में ये कहा था कि दुनिया की कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती है। ये बात आपको याद होगी, दुनिया की कोई भी वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती है, हमारी मान्यता हमारी मेंटेलिटी उसे अच्छी या बुरी बनाती है। ठीक है, इसका मतलब हमारे जो परिणाम है, किसके परिणाम? राग और द्वेष के परिणाम, मतलब दूसरी वस्तु को अच्छा मानना या दूसरी वस्तु को बुरा मानना, इसका नाम है राग और द्वेष। राग मतलब होता है किसी भी वस्तु को अच्छा मानना और उसको चाहने की इच्छा होना। ठीक है, किसी वस्तु को अच्छा मानकर उसे चाहने की इच्छा होना, दैट इज राग। और किसी वस्तु को बुरा मानकर उसको दूर करने की इच्छा होना, दैट इज द्वेष। ठीक है, तो राग और द्वेष हमसे क्या करवाते हैं? राग और द्वेष हमसे कहते हैं कि देखो ये जो वस्तु है ना, ये बहुत अच्छी है। यानी राग और द्वेष के कारण हम दूसरी वस्तुओं को अच्छा या बुरा मानने लगते हैं। वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, लेकिन हमारे राग और द्वेष परिणाम के कारण हम किसी भी वस्तु को अच्छा या बुरा मानने लगते हैं। तो वास्तव में जो एडिक्शन है वो स्टार्ट ही कहां से हुआ, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? तो आप अगर उसकी गहराई में जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एडिक्शन का इनिशियल पॉइंट वास्तव में हमारे राग द्वेष परिणाम थे, हमारे मिथ्यात्व के परिणाम थे। राग द्वेष परिणाम ही हमसे कहते हैं कि ये जो वस्तु है ये अच्छी है। अब देखो, अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया की कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, तो व्यक्ति किसी भी वस्तु से एडिक्शन ही नहीं करेगा, उससे एडिक्ट ही नहीं होगा। अगर उसे ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया की कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, हमारी मान्यता उसे अच्छी बुरी बनाती है, तो ये पूरा जो एडिक्शन का इनिशियल पॉइंट है, कहां से स्टार्ट, कहां से हो रहा है? कि हमारी मेंटेलिटी से हो रहा है। अगर हमारी सबसे पहली मेंटेलिटी हमसे ये कहती है कि ये वस्तु अच्छी है, अब जब हमें कोई एक वस्तु अच्छी लगती है तो हमारा फोकस कहां पर जाएगा? कि नॉर्मल सी बात है, जो चीज हमें अच्छी लगती है हमारा पूरा बल उसी की तरफ दौड़ने लगता है। कई बार बच्चे कोई पूछता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं तो घंटों चले जाते हैं, घंटों घंटों हम उसमें रह सकते हैं। पढ़ाई के टाइम पर अगर एक नॉर्मल सा मैसेज आता है तो हम एक नॉर्मल मैसेज देखने के लिए हम मोबाइल उठाते हैं, और कब पूरा टाइम चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है, मन नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल सी चीज है। अगर हमने ये मान के रखा है, मेंटेलिटी का चक्कर है पूरा, कि अगर हमें पता है कि भैया देखो पढ़ाई करने से हमें मन नहीं लगेगा, हम सुख नहीं मिलेगा, हमें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, बोर होना पड़ेगा, हमारा हो सकता है मन ना लगे, तो हमारा उपयोग जो है उसमें से हट जाएगा। और जैसे ही हमें पता है कि हमें मोबाइल चलाने में बहुत आनंद आता है, उसमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है, नॉर्मल सी चीज है, जिसमें हमने हैप्पीनेस मानी होगी, जिसमें हमने सुख माना होगा, हमारा मन हमारा उपयोग उसी ओर दौड़ेगा। क्योंकि आपको एक पहले एक बात बताई थी कि सभी जीवों में कॉमन चीज है, वो है अर्ज टू हैप्पीनेस, मतलब सुख की एक खोज, सुख की चाहत सभी जीवों में, सभी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सभी जीवों में कॉमन चीज है, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉमन चीज है सभी जीवों में, तो एक कॉमन चीज एक और ये भी है कि जहां पर भी व्यक्ति सुख की कल्पना करेगा, जहां पर भी वो ये मानेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे को सुख मिलता है, हमारा मन हमारा उपयोग सब कुछ उसी दिशा में दौड़ने लगेगा, उसको प्राप्त करने की इच्छा करने लगेगा। ये नॉर्मल सी चीज है। अब जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर पढ़ाई करने से है, हमें फ्यूचर पढ़ाई करने से बनेगा,
तो उसका मन उसका उपयोग पढ़ाई करने में लगता है, और जिसे ऐसा लगता है कि मुझे जो हैप्पीनेस मिल रही है वो एक मोबाइल चलाने से मिल रही है, तो हमारा पूरा मन, हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान उस ओर दौड़ने लगेगा। व्यक्ति उसी ओर दौड़ता है जहां पे वो मान लेता है कि यहाँ पे सुख है। ये नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि सुख की चाहत, अर्ज टू हैप्पीनेस सब में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति एडिक्ट क्यों होता है, क्यों व्यक्ति एडिक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो जिस भी चीज में एडिक्शन हो रहा है वो एडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने उस पदार्थ में सुख माना था। समझना है, नॉर्मल सी बात है। हम एडिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उसमें सुख माना है, और जितना ज्यादा सुख माना है उतनी तेजी से हम उसमें दौड़ते हैं। तो ये जो बात है कि भैया हम अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, हम बुरे काम करते रह जाते हैं। अच्छे काम मतलब कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मंदिर के काम नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमारे इसमें मन नहीं लगता है। तो मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मन हमसे बार बार कहता है कि भैया इसमें क्या मिलेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब तक हम अपने मन को नहीं समझाएंगे कि यहाँ पे हमें सुख मिलने वाला है, मन हमारा उस दिशा में काम ही नहीं करेगा। कई बार ऑफिस का काम करते करते या किसी भी काम करते करते हमारा मन उब जाता है और हमें ऐसा लगता है हमें काम नहीं करना, क्योंकि बार बार हमारा मन कहता है कि यहाँ पे मेरे को सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे को ये काम नहीं करना है। और जिन चीजों में हम प्रमादी हो जाते हैं, बिल्कुल प्रमाद से बैठ जाते हैं, बिल्कुल आलसमय जो कार्य है, प्रमादमय कार्य जो है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि बहुत आनंद है, यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस एंजॉय करना है। तो इसलिए हमारा जो मन है हमसे बार बार कहता है कि भैया यहाँ पे चलो, इस ओर चलो, इस ओर हमें काम करना है। और बार बार एक ही चीज जब हमें मिलने लगती है तो हमारा माइंड उससे एडिक्ट हो जाता है, बार बार वही चीज खोजता है। ये नॉर्मल चीज है कि जब हमें कोई एक चीज अच्छी लगती है तो हमारा माइंड बार बार कहता है कि वही चीज वापस बार बार लाओ। जैसे हमें कोई खाना अच्छा लगा तो हमारा माइंड बार बार हमसे कहेगा कि वही चीज वापस लाओ, वही पदार्थ चाहिए मेरे को, वही सब्सटेंस चाहिए, वही फूड चाहिए। तो हम बार बार उसी दिशा में दौड़ते रहते। और यही चीज, यही जो आदत बन जाती है, इसी का नाम है हैबिट। यही हैबिट बन जाती है, इसी का नाम है एडिक्शन, कि बार बार उसी दिशा में दौड़ते रहना। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट हमारा माइंड ही है। ये एडिक्शन अचानक नहीं बन जाते हैं, एडिक्शन बनते हैं हैबिट से। मतलब हैबिट कैसे बनती है कि जब हम एक ही काम बार बार करते रहते हैं, और एक ही काम हम बार बार कब कर सकते हैं कि जब हमें वो काम अच्छा लगता है, जब हमें उसमें सुख दिखता है। तो जब भी हमें कोई चीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल पॉइंट हमारा माइंड से स्टार्ट हुआ। हमारे माइंड ने कहा कि भैया ये पदार्थ अच्छा है, ये सब्सटेंस अच्छा है, अच्छा मतलब ये सब्सटेंस हमें सुख देगा। तो जैसे ही हमने ये मेंटेलिटी बनाई, उस दिशा में काम करने लगा। हमारे माइंड ने हमसे कहा कि भैया पूरा पुरुषार्थ जितना भी है, आपकी जितनी भी पावर है, पूरी पावर इसमें लगा दो क्योंकि इससे आपको सुख मिलेगा। तो हम एक ही काम को बार बार करने लगते हैं, ठीक है। बार बार जैसे करने लगते हैं तो हमें हमारी हैबिट बन जाती है, और जैसी हैबिट बनती है तो वही एडिक्शन बन जाता है, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक नॉर्मल हैबिट होती है और एक होता है हैबिट का सड़ा हुआ रूप, मतलब बिल्कुल ही लवलीन हो जाए, वो हैबिट इतनी टाइट हो जाए कि उसके बिना हमारा काम ना चले, दैट इज एडिक्शन, ठीक है। अब इसको आप एग्जांपल पे घटित कर सकते हो, एक मोबाइल है, ठीक है। अब किसी को मोबाइल से एडिक्शन हुआ तो कैसे हुआ? वो बचपन से पैदा होते के साथ ही उसे मोबाइल से एडिक्शन नहीं हुआ था। अब वो कैसे हुआ, उसका एडिक्शन बना कैसे? कि सबसे पहले उसने पहली बार मोबाइल छुआ, ठीक है, और उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसे अपने आनंद मिला। देखो जहां पर नई नई चीजें मिलती है ना, व्यक्ति उसमें और ज्यादा गहराई में जाता है, तो उसे बहुत मजा आता है, ठीक है। तो जैसे उसने पहली बार मोबाइल को छुआ तो पहली बार उस माइंड ने एक इमेज क्रिएट की कि ये जो वस्तु है, ये जो हमें रेक्टेंगल जो वस्तु दिख रही है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। हमारे माइंड ने उसको नोट आउट किया। अब नोट आउट करने के बाद हमारे मेंटेलिटी बना ली, हमने स्वयं ने एक मेंटेलिटी बना ली कि ये जो वस्तु है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखो मोबाइल ना अच्छी थी ना बुरी थी, लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए, ठीक है। कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है कि हमारे माइंड ने एक सेटअप तैयार किया, उसने कहा कि ये जो वस्तु है, जो अपना एक मोबाइल है, ये बहुत अच्छी चीज है, और इसमें तुम जितना चलाओगे उतना आनंद आएगा।
ठीक है, तो हमने पहली बार मोबाइल चलाया और पहली बार मोबाइल चला के हमारे माइंड ने एक इमेज क्रिएट की कि ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब क्या होगा कि जहां पर भी हम सुख मान लेते हैं तो हमारा पूरा मन, हमारा पूरा उपयोग, हमारी पूरी पावर हमसे कहती है कि बस इसी में पूरा इसको प्राप्त करने में, इसको गेन करने में अपनी पूरी पावर लगा दो। तो ये बार बार हमसे, मन हमसे ये कहेगा, हमारा माइंड हमसे कहेगा, बॉडी से कहेगा कि ये जो मोबाइल है ना इसको प्राप्त करने में पूरी पावर लगा दो, ठीक है। तो हम फिर दूसरी बार मोबाइल चलाएंगे, तीसरी बार चलाएंगे, चौथी बार चलाएंगे और नई नई बार, हर बार हमें कुछ नया मिल रहा है, हम कुछ नए गेम्स खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, हमें कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें नया नया आनंद मिल रहा है उससे। तो हमारा माइंड की जो मेंटेलिटी ना, मेंटेलिटी थी वो और ज्यादा टाइट होती जा रही है। तो ऐसे धीरे धीरे करते 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 हमारी एक हैबिट बन जाती है और फिर वो हैबिट अगर ज्यादा टाइट हो जाती है तो वो बन जाती है एडिक्शन। आपने तो नॉर्मल चीज है, मोबाइल का एडिक्शन बहुत फेमस चीज है, इसलिए इसका नाम लिया मैंने, कि आपने देखा होगा बच्चे 18-18 घंटे तक मोबाइल चलाने को उतारू हो सकते हैं। मतलब आप तो दिन भर अगर मोबाइल दो तो मोबाइल के बिना काम ना चले। अगर आज किसी से, एक व्यक्ति से आप कहो कि भैया एक दिन के लिए आपको मोबाइल नहीं चलाना, या आप कल्पना करो, तो उसे ऐसा लगेगा कि हमारे पास पूरे दिन भर बचा क्या, हम करेंगे क्या, हमारा तो जीवन ही नहीं बचा। एक बार कल्पना करना, मैं आपसे ही कहूँ, किसी भी व्यक्ति से कहूँ आपको एक महीने तक मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल का त्याग कर दो एक महीने तक, तो कितने व्यक्ति एक महीने तक मोबाइल का त्याग हंसी खुशी कर सकते हैं, आप एक बार कल्पना करना, ठीक है। मैं पूछ नहीं रहा हूँ अभी किसी से, तो आप, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ मोबाइल एडिक्शन बहुत फेमस चीज है, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज है। तो ये बनती कैसे है कि जहां पर भी हम अपना मेंटलिटी सेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें हैप्पीनेस मिलने वाली है, सुख मिलने वाला है, तो उसमें हमारा पूरा उपयोग उस चीज में चला जाता है। मतलब ये हमसे बार बार माइंड हमसे कहता है कि इसी को गेन करो, इसी को प्राप्त करो, इसी को आपको कैप्चर करना है, इसी को ग्रहण करना है। धीरे धीरे करते करते वही चीज एक एडिक्शन बन जाती है। तो ऐसी ये मोबाइल का एडिक्शन है, किसी भी चीज का एडिक्शन होता है, इसका बनना यहीं से स्टार्ट होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ऐसा व्यक्ति जिसे इन चीजों में से हैप्पीनेस दिखती है वो दूसरी चीजों में से हैप्पीनेस देखना बंद कर देता है। समझना, एडिक्शन में बस सबसे बड़ी चीज क्या है कि वस्तु में से ना सुख आ रहा था ना दुख आ रहा था, ठीक है, वस्तु ना सुखी कर रही थी ना दुखी कर रही थी, ना वो अच्छी थी ना बुरी थी, ठीक है, नॉर्मल सी एक चीज है। अब होता क्या है, जब हम किसी एक चीज में एडिक्ट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति है वो दूसरी जगत की हर चीज में से अच्छाई देखना बंद कर देता है, या उसे वो चीजें अच्छी लगना बंद हो जाती है। सिंपल सी चीज है, जब 10 चीजें सामने रखी हो और एक चीज को हम ज्यादा हाईलाइट कर दें तो बाकी की 9 चीजें अपने आप फीकी दिखने लगती है। समझना, 10 चीजें रखी हो और हम अपना लाइट का फोकस जब एक चीज पर रख देते हैं, एक चीज पर कर देते हैं, तो बाकी की 9 चीजें हमें डिम दिखने लगेंगी, हमें फीकी दिखने लगेंगी, ठीक है। ऐसे ही होता है, जब दुनिया के सारे पदार्थों में से हम किसी विशेष पदार्थ को हाईलाइट कर देते हैं कि ये ही पदार्थ है, तो दुनिया की बाकी चीजें हमें फीकी दिखने लगती हैं। अब होगा क्या कि जब हम किसी एक पदार्थ से एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, तो दूसरी वस्तुएं हमारा मन रुझान नहीं कर पाती हैं, दूसरी वस्तुओं में हमारा मन नहीं लगता है। अब उसे आप दुनिया की कोई भी अच्छी से अच्छी चीज ला के दे दो, उसका मन नहीं लगेगा। अब जैसे किसी को ड्रिंकिंग में एडिक्शन है, ठीक है, अब ड्रिंकिंग का एडिक्शन ऐसा है कि आपने ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, ठीक है, अब ड्रिंकिंग का एडिक्शन है तो हमने किसी एक ड्रिंकिंग को हाईलाइट कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु को हाईलाइट किया है उसके अलावा दूसरी वस्तु को हमने अनहाईलाइट किया है, उसको फीका समझने लगेंगे, ठीक है। तो अब जब तक उस व्यक्ति को वो ड्रिंक मिल नहीं जाती, तब तक वो व्यक्तियों को आप दूसरा कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो दुनिया की चीज, उसका मन नहीं लगेगा, उसकी तड़पन बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसने उसमें हैप्पीनेस मानी थी, सुख माना था, और वो व्यक्ति, वो वस्तु उसको मिल नहीं रही है। इसका मतलब जिस वस्तु से हम एडिक्ट हो जाते हैं उसके बिना हम रह नहीं सकते। जिस वस्तु से हम एडिक्ट हो जाते हैं अगर वो वस्तु हमें ना मिले तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं
ये हमें सुखी नहीं कर सकती, ये हमें आनंद नहीं दे सकती, इसका मतलब ये एडिक्शन है। ठीक है, अब आप ये एडिक्शन कैसे बना, ये फिर सेम प्रोसेस आप फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जन्म से ये ड्रिंकिंग का एडिक्शन अपने साथ लेके नहीं आया है, उसे ड्रिंकिंग का एडिक्शन बचपन से उसके साथ नहीं आया है, ये उसने नया क्रिएट किया है, उसने नया, ये एडिक्शन हम नए क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कैसे करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम किसी भी वस्तु को टेस्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम उसका अनुभव करते हैं, और फर्स्ट टाइम ही अनुभव करने के साथ हमारा माइंड समझ जाता है ये वस्तु अच्छी है या बुरी है। फर्स्ट टाइम माइंड हमसे कह देगा ये वस्तु अच्छी है या बुरी है, आप नोट कर लो, तो माइंड अपने आप नोट कर लेता है। अब देखो ये चीज ऐसी है, हमें पता भी नहीं चलता ये पूरी प्रोसेस हो कब जाती है, माइंड हमसे कब कहता है कि भैया करो करो करो। लेकिन आप देखना, अगर एक घंटे का भी हमारे पास फ्री टाइम है, तो एक घंटे में भी हो सकता है हमने 10 बार मोबाइल अपना चेक कर लिया और हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि बार बार, आपने एक देखा होगा, एक फीलिंग आती है कि हो सकता है हमारे मोबाइल में कुछ किसी का नया कमेंट आया हो, किसी का कोई नोटिफिकेशन आया हो। अब देखो 99% तो कोई नोटिफिकेशन 90 ज्यादातर आते नहीं है, और आते भी हो तो, लेकिन माइंड हमसे बार बार कहता है कि अरे चेक करो, मोबाइल को चेक करना चाहिए, हो सकता है मोबाइल में कुछ न्यू नोटिफिकेशन आया हो, किसी का कोई सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ा हो तो कोई लाइक आया हो, कोई किसी का कमेंट आया हो। अब हो सकता है बार बार ऐसा कुछ भी ना आ रहा हो, लेकिन होता क्या है कि हमने माइंड इतना उसमें डाइल्यूट हो जाता है कि वो हमसे बार बार उसी की ओर बढ़ने के लिए कहता रहता है। अब आपने देखना, हमें लगता ही नहीं है कि हम इससे एडिक्ट हो रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता माइंड हमसे कब कह देता है, हमारी बॉडी कब काम कर जाती है, और हम उसमें चेक करके फिर रख भी देते हैं। हो सकता है 5 मिनट के अंदर हमने 5 बार या 10 बार भी मोबाइल चेक कर लिया और हमें पता भी नहीं चलता, हमने बस तुरंत देखा और तुरंत काम किया। लेकिन आप हर बार का एक बार पकड़ना, एक बार नोटिफाई करना उसको, तो आपको पता चलेगा कि हमारा मन बार बार करता है। आपका मन बार बार क्यों करता है, आप इसको एक बार पकड़ने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है उसमें से, मतलब जब भी मैं उसको खोलूंगा तो हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मानो जैसे हम ऐप भी चलाते हैं, ठीक है, ऐप भी में कुछ नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम व्हाट्सएप खोल लेंगे, व्हाट्सएप में नहीं मिली तो इंस्टा खोल लेंगे, इंस्टा नहीं मिली तो किसी कुछ और खोल लेंगे, कुछ और पढ़ने लगेंगे। यानी हर बार माइंड कुछ नया चाहता है और माइंड उसमें से नई नई इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है। तो जब भी इसका मतलब आप ये देखो, कोई व्यक्ति एक बार 10 मिनट फ्री भी बैठा है तो माइंड ने उसको जल्दी से कहा, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है ना, और हैबिट एडिक्शन जहां पर भी बन जाता है माइंड अपने आप काम करने लगता है, तो माइंड तुरंत कहेगा कि जल्दी से मोबाइल खोलो। अब आपको ऐसे कुछ अलग से लगेगा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक आदत बन चुकी है, तुरंत खोलेंगे, तुरंत उसमें सर्च करेंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे और फिर वापस रख देंगे। तो 99% यही होता है कि हमारा माइंड बार बार हमें वो काम करने को कहता है, और ये सब आपने महसूस किया होगा क्योंकि मोबाइल एडिक्शन बहुत नॉर्मल चीज हो गई है, इसलिए ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे टॉपिक समझ में क्लियर ज्यादा होगा, इसलिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल एडिक्शन तो वैसे आप किसी को होगा नहीं, लेकिन ये मोबाइल एडिक्शन की वजह से टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको बताया है कि कोई भी एडिक्शन कैसे बनता है और हमारा माइंड उस काम करने को बार बार प्रेरित कैसे करता है। ठीक है, तो ये इस एग्जाम्पल से मैं मानता हूं आप सभी को बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो आज अपन ने जो पढ़ा है वो 7 एडिक्शंस कौन कौन से हैं, जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना। ठीक है, अब एडिक्शन क्या चीज है, तो देखो किसी भी विषय में लवलीन होना, उसको आदत बना लेना, उसे व्यसन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे जितनी भी चर्चा कर रहे हैं ये बुरे विषय में, यानी बुरे विषय का मतलब क्या है कि जिनसे हमारा नाश होता हो, कार्य ना कर पाते हो, वो सारी चीजें बुरे विषय, मतलब जिनसे भी हमारा लोक में भी नाश हो, हमारी हेल्थ भी बिगड़े, हमारा आगे का भव भी बिगड़े, हमारे संस्कार भी बिगड़े, मतलब जहां पे हमारा बुरा ही बुरा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, वो सारे हैं बुरे विषय। ठीक है, अब इन बुरे विषय में जितनी भी आदत
जितने भी व्यसन हम क्रिएट करते हैं उन सबका नाम है एडिक्शन, ठीक है। अब इन एडिक्शन का काम क्या होता है कि एडिक्शन मुख्य रूप से जीव को आकुलित करते हैं। आकुलित कैसे करते हैं कि जब भी वो एडिक्शन वाली चीज हमें नहीं दिखती है, हमारे सामने नहीं होती है, तो व्यक्ति आकुलित हो जाता है, व्यक्ति दुखी होने लगता है, और जब तक नहीं मिलती है तब तक दुखी होता रहता है। अगर किसी चेन स्मोकर को एक सिगरेट ना मिले तो जो उसकी हालत होती है वही एडिक्शन वाले की हालत होती है। अब ये एडिक्शनों के रूप इतने हैं कि कई बार हमें पकड़ में भी नहीं आता। कई बार हमें मोबाइल चलाने का मन है लेकिन बैटरी डिस्चार्ज है, या मिल नहीं रहा है, या कुछ खाने का मन है, मतलब जो हमारा जो टेस्ट, जो टंग है, इसने भी अपने एक एडिक्शन बना के रखा है। अगर इसको मीठा खाने का मन है तो जब तक मीठा नहीं मिलेगा इसका काम नहीं चलता। इसको अगर कुछ स्पाइसी खाने का मन है, जब तक टंग वो अपनी एडिक्शन पूरी नहीं करती, पूरा व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, पूरा व्यक्ति दुखी रहता है। अब वो एक रेस्टोरेंट को चेक करेगा, दूसरे रेस्टोरेंट को चेक करेगा, तीसरे को, जब तक उसे अपने मन की चीज ना मिल जाएगी, क्योंकि उसने टंग ने भी अपना एक एडिक्शन बना के रखा। ऐसे ही हमारे आईज ने, हमारे जितने भी सेंसेस हैं, सबके एडिक्शन फिक्स हैं, सबकी, हमारी, यहाँ तक कि हमारी स्मेल, हम किस चीज को पसंद करते हैं किसको नहीं करते हैं, व्यक्तियों का इसका भी एडिक्शन होता है। अगर वो स्मेल ना हो तो व्यक्तियों का चैन नहीं मिलता है। आईज का भी एडिक्शन है, सुनने का भी एडिक्शन है, हर चीज का एडिक्शन। तो व्यक्तियों का सिंपल सी बात है, जहां पर भी अटैचमेंट है वहां पर एडिक्शन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं, ये व्यक्तियों को दुखी करते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के पास ये चीज जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति आकुलित ही होगा, और जैसे ही वो चीज मिल जाती है तो एक सडन सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, अब मैं सही हूं, अब मैं जीवित हूं, अब मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जब हम एडिक्शनों की पूर्ति करते रहते हैं, एडिक्शन पे को बनाए रखते हैं, टिकाए रखते हैं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम सुखी होते रहते हैं। वो तो ये समझो कि हमारे रोग को हमने दवाई दे दी है, मतलब जो एडिक्शन का एक बीमारी थी इसको बस हम एक उस बीमारी का अचानक से दर्द होता है तो हम दर्द में दवाई खा लेते हैं तो तुरंत दर्द कम हो जाता है, समझना। जैसे किसी को बीमारी है और बीमारी में उसको बार बार दर्द हो रहा है तो क्या करें कि वो बीमारी ऐसी है कि आपने एक दवाई खाई तो दर्द उस टाइम के लिए कम हो गया, ठीक है, और फिर 5 मिनट फिर से दर्द होने लगा, फिर दवाई खा लो, फिर से दर्द होने लगा, फिर दवाई खा लो, तो दवाई किस लिए है कि दर्द उस टाइम के लिए कम कर दे। तो इसका मतलब ये समझो कि वो जो दवाई हो रही है, दवाई दी जा रही है ना, मेडिसिन दी जा रही है, ये इस बीमारी का नाश नहीं करने वाली है, ये सिर्फ इसको दवा रही है। ऐसे ही जो एडिक्शंस हैं, एडिक्शन को पूरा करके, जैसे हमें सिगरेट का एडिक्शन है तो सिगरेट को बार बार देते पीते रहने से एडिक्शन, हम सुखी नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया कि वो अचानक से जो एडिक्शन का दर्द उत्पन्न हुआ था, हमें अचानक से लगा कि सिगरेट चाहिए ही, तो उसको बस हमने सिगरेट दे के उसको कम कर दिया, वो दर्द हमने कम कर दिया। लेकिन फिर क्या होगा कि 5 मिनट बाद फिर से वो दर्द उत्पन्न हो जाएगा, फिर हम उसको सिगरेट दे के उस दर्द को कम कर देंगे, फिर 5 मिनट बाद वो दर्द उत्पन्न होगा, फिर हम सिगरेट दे के उस दर्द को कम कर देंगे। तो चल क्या रहा है, पूरा प्रोसेस चल क्या रही है कि हम एक के बाद एक बस वो दर्द को, जो बीमारी उठ रही है उसको दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, और उस बीमारी को बनाए रखे हम। लेकिन बीमारी का अंत, बीमारी का नाश इससे नहीं होता है। यानी जब बीमारी हो रही है उस टाइम पे भी व्यक्ति दुखी हो रहा है, जिस टाइम पे व्यक्ति एडिक्शनों को फॉलो कर रहा है, जिस टाइम पे व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उस टाइम पे असल में वो सुखी नहीं हो रहा है। वो से जो रोग हुआ है, वो जो दुख अंदर से हो रहा है, बस उसको डाउन कर रहा है, समझना इस बात को, ठीक है। हमें लग रहा है कि हम टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो बड़े मजे में हैं, लेकिन मजे में नहीं है। जो हमारे माइंड ने एक इमेज क्रिएट की थी, मेंटलिटी क्रिएट की थी, माइंड जो मेंटलिटी क्रिएट करता है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। इसको बनने में भी टाइम लगता है, हैबिट कोई 2 सेकंड में नहीं बन जाती, हैबिट बनने में भी टाइम लगता है। एडिक्शन जो तैयार हुआ है इसको बनने में बहुत टाइम लगा है, और इतना टाइट हो जाता है इसको तोड़ना, फिर धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जितने टाइट एडिक्शन उसमें मेहनत भी उतनी लगेगी, ये तो नॉर्मल सी चीज है। आप अगर आप किसी चेन स्मोकर को कहो कि आप सिगरेट छोड़ दो तो एक दिन में नहीं छोड़ सकता, एक दिन में उसकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि जितना टाइट एडिक्शन होगा उसको छोड़ने में मेहनत भी उतनी लगेगी, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है।
ठीक है, तो हम जितने भी किसी भी वस्तु से अटैच होते हैं उतने ही दुखी होते हैं, ठीक है, आकुलित होते हैं। जैसे अगर वो रोग है, वो रोग उठ रहा है, तो उसको दबाने से वो रोग का अंत नहीं होगा। ऐसे ही कोई हमारा एडिक्शन हमसे बार बार कह रहा है कि भैया सिगरेट पियो, ड्रिंक करो, इसका मतलब वो व्यक्ति उससे सुखी नहीं हो रहा है। वो जो एडिक्शन था ना उसका, वो एडिक्शन उससे ये कह रहा था तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, इसे तुम जल्दी से कर लो। तो वो जैसे ही कर लेता है तो उसका एडिक्शन उस टाइम के लिए डाउन हो जाता है। तो उसे लगता है कि हाँ, मेरी जो अंदर से उठी हुई जो इच्छा थी, इच्छा जो मुझे दुखी कर रही थी, वो डाउन हो गई, अब मेरे को अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर 5 मिनट बाद फिर से वो इच्छा उत्पन्न होगी, उसे लगेगा कि मुझे फिर से काम करना है, तो फिर से वो काम करने लगेगा। इसका मतलब वो अंदर से सुखी होकर ये काम नहीं कर रहा होता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति एडिक्शन के काम करता है वो सुखी होकर नहीं करता है, ये मुझे समझाना है। हमें लगता है बाहर से देखकर कि व्यक्ति बढ़िया आनंद से स्मोक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो व्यक्ति बड़े मजे में। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सुखी होकर एडिक्शन के काम नहीं करता है, ये आप नोट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति सुखी होकर एडिक्शन में प्रवृत्ति नहीं करता, एडिक्शन के काम नहीं करता, दुखी होकर ही एडिक्शन में प्रवृत्ति करता है। दुनिया का हर व्यक्ति दुखी होकर ही एडिक्शन की ओर दौड़ता है। पहले वो अंदर से दुखी होता है, पहले अंदर से एक अर्ज आता है कि मेरे को इसके बिना काम नहीं चलेगा, जल्दी से इसकी ओर दौड़ो, माइंड कहता है जल्दी से वो सिगरेट ढूंढो, कहां पे मिलेगी, किस दुकान पे मिलेगी। तो जब ढूंढता है फिर पीता है, तो वो हमारी अंदर की जो इच्छा थी, जो एक अंदर से दर्द उत्पन्न हुआ था, वो जो बीमारी का दर्द उत्पन्न हुआ था, उसको हमने दवाई खिला के थोड़ी देर के लिए डाउन कर लिया है, बस ये होता है एडिक्शन में। अब वो चाहे मोबाइल का हो चाहे वो सिगरेट का हो, दोनों एक ही चीज है। मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ, मोबाइल का एडिक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिगरेट का एडिक्शन है। जैसे चेन स्मोकर होते हैं वैसे ही चेन मोबाइल यूजर भी होते हैं, जिन्हें मोबाइल अगर 10 मिनट के लिए मिले ना तो उनका भी उपयोग वैसे नहीं लगता जैसे चेन स्मोकर्स का नहीं लगता, क्योंकि वो एक अंदर से जो दर्द उत्पन्न हो रहा है वो बिल्कुल जैसे चेन स्मोकर का होता है वैसे चेन मोबाइल यूजर का भी होता है। अब उन्हें जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा तब तक वो शांति से नहीं रह सकते, उन्हें वो अंदर से अर्ज आता है कि मुझे इसका यूज करना है, तो इसी का नाम एडिक्शन है। ठीक है, चलो चलो इसके बाद फिर से बोलता हूं मैं, 7 व्यसन के नाम कौन कौन से हैं? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान करना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना है। ठीक है, अब व्यसन किसको कहते हैं? किसी भी विषय में लवलीनता को एक आदत बना लेने को व्यसन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जितनी भी चर्चा कर रहे हैं बुरे व्यसनों की चर्चा कर रहे हैं। बुरी आदत, बुरी आदत मतलब जो भी हमारा नाश करने वाली है, जो हमें बिगाड़ने वाली है, वो सारी बुरे विषय है। ठीक है, और ये करते क्या है कि ये व्यक्तियों को आकुलित करते हैं, आकुलता पैदा करते हैं, दुराचारी बनाते हैं, मतलब हमें बुरे आचरण करने को प्रवृत्ति करते हैं। ये दुराचारी कैसे बनाते हैं, इस पे भी अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा कि जो भी व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है ना, बुरे काम व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वो कहीं पर बुरी आदतों में फंसा होता है। अब जैसे किसी को सिगरेट पीना हो, और एक नॉर्मल एग्जांपल ही बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को सिगरेट पीना हो, अब उसकी बुरी आदत है, लेकिन उसको अगर सिगरेट नहीं मिल रही है, उसके पास पैसे नहीं है। ज्यादातर आपने देखा होगा, चलो छोड़ो, जैसे किसी के पैसे नहीं है जेब में, ठीक है, भिखारी है, भिखारी मतलब किसी के पास पैसे नहीं है, बहुत कंगाल है, सिगरेट पीना है। अब सिगरेट की आदत तो बार बार अंदर से कह रही है कि पीना ही है, उसका माइंड कह भी रहा है उससे कि पैसे नहीं है, पी नहीं सकता है, तो माइंड उसके लिए एक नए नए तरकीब उत्पन्न करेगा कि तुम्हें सिगरेट पीना है तो कैसे पियो, कि किसी की चोरी कर लो, किसी के पैसे चुरा लो, कहीं से चोरी करके सिगरेट ले आओ, मतलब कहीं ना कहीं उसका माइंड, अगर एडिक्शन है तो एडिक्शन वो अपनी पूर्ति करने को कहेगा ही। और जब भी एडिक्शन पूर्ति करने को कहा जाएगा और हमारे पास उतने पूर्ति करने के लिए साधन नहीं होंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, साधन नहीं होंगे, तो वो माइंड नए नए तरकीब सोचेगा, माइंड कहेगा कि
पूरा तो करना है एडिक्शन को, लेकिन किसी भी मार्ग से हम कर सकते हैं, तो वो चाहे चोरी का मार्ग हो, चाहे वो हिंसा का मार्ग हो, चाहे वो झूठ का मार्ग हो, लेकिन पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए, या फिर जो काम हमें करना है उसकी पूर्ति हमें करना ही है। इसका मतलब एडिक्शन हमें दुराचारी बनाते हैं। दुराचारी मतलब होता है बुरे आचरण करने वाला, दुराचारी मतलब बुरा आचरण करने वाला। बुरा आचरण का मतलब है चाहे वो हिंसा हो, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब पाप करने वाला, कषाय करने वाला। दुराचारी मतलब पाप करने वाला हो, कषाय करने वाला हो, जो भी बुरे कार्य करने वाला होता है उसका नाम होता है दुराचारी। तो जो एडिक्शन होते हैं ये व्यक्ति को दुराचारी बनाता है। अब कैसे बनाता है, मैंने आपको बताया कि एडिक्शन तो अंदर से कहेगा कि हमें इसकी पूर्ति करना है। अब बाहर से आपके पास साधन नहीं है तो क्या करें, तो क्या माइंड मान जाएगा? माइंड नहीं मानेगा। माइंड तो हमसे कहेगा एडिक्शन पूरा करना ही है, अब वो कैसे भी करो, तो माइंड नए नए उपाय सोचेगा। हमसे कहेगा कि गलत कार्य करके भी ये काम करना हो तो कर दो, चाहे वो चोरी करके हो, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे हिंसा करके हो, जैसे करना हो। और जैसे किसी को ऑफिस में अपना काम निकालना हो तो अगर उसे काम निकालना है, उसे पता है कि भैया प्रमोशन मिलने ही वाला है, इससे कुछ भी हो जाए इससे प्रमोशन मिल जाएगा, तो अब वो चाहे झूठ बोल के हो, चाहे मायाचारी हो, कुछ भी हो, हमें काम करना है। ये भी एडिक्शन है, ठीक है। तो एडिक्शन हमें दुराचारी बनाता है। दुराचारी मतलब हमें बुरे कार्य करने को भी प्रवृत्त करेगा। अब जैसे किसी छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को गलती से किसी बुरी लत लग जाए, वो किसी भी बुरी चीज से एडिक्ट हो जाए, अब उसे घर में पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपने इसे देखा होगा कई बार बच्चे बिना पूछे पापा के पर्स में से पैसे निकाल लिए, कहीं पैसे मिले तुरंत रख लिया। अब किसी को पता ना चल जाए तो झूठ भी बोलेंगे, सब बोलेंगे, सब करेंगे। तो ये अंदर से माइंड क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी चीज से एडिक्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी चीज से एडिक्शन हुआ है तो माइंड बार बार कहेगा ये चीज तो करनी है। गलती से कोई छोटा बच्चा सिगरेट का एडिक्ट हो जाए, ठीक है, तो उससे पैसे तो चाहिए ही है, सिगरेट चाहिए ही है, नहीं समझ पा रहा कि मैं एडिक्शन के कारण बुरे रास्ते पे जा रहा हूं, लेकिन उसे अपना काम पूरा करना है। तो माइंड हमसे बार बार कहेगा कि तुम्हें पैसे चाहिए, और पैसे कहां से आएंगे, कि घर में पापा है, मम्मी है, पहले से मांगो। अब पापा मम्मी मना करेंगे तो उसे झूठ बोल के मांगो, किसी दूसरी चीज के लिए मांगो, अब वो भी मना कर दिया तो चोरी करो, चोरी करने पर भी नहीं मिल रहा है तो हिंसा करो। तो आप ये पूरे बात समझ में आ रही है ना, कि हम ये सारे कार्य या कोई भी व्यक्ति ये सारे कार्य क्यों करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी दूसरी चीज से एडिक्ट हो चुका है, उसे उस चीज में आनंद आ रहा है, इसलिए ये सारे कार्य कर रहा है। इसका मतलब एडिक्शन हमें दुराचारी बनाता है, हमें बुरे कार्य करने को कहता है, ठीक है। तो ये आकुलता हो, दुराचारी हो, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है पूरा, कि हमारी मेंटेलिटी, हमारे राग द्वेष के परिणाम। तो यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले कि दुनिया में कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है, हमारे मेंटलिटी उसे अच्छी बुरी बनाती है, तो वो व्यक्ति एडिक्शंस में नहीं फंस सकता। तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, हमारी मेंटलिटी, हमारे राग द्वेष के परिणाम, इनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है। और वास्तव में जो निश्चय से कहा है कि मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष परिणाम ही वास्तव में व्यसन होते हैं, इसलिए इनको ही हमें छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये सामान्य से आज अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में जो 7 व्यसन है, तो इनका कैसा कैसा रूप है, वास्तव में कितने गहरे होते हैं, मांस खाना कैसा है, जुआ खेलना कैसा है, और इनका वास्तव में परिभाषा वगैरह क्या है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए अपन टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, 7 व्यसन का। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन एंड करेंगे। अभी तो नहीं, भैया जी आपने ये बताया कि व्यसन से पाप की तीव्रता कितनी होती है वो आई थिंक आपने इंक्लूड नहीं किया है। और जैसे व्यसन है और वो बुरी वाली आदतें हैं, पर जो अच्छी आदतें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लॉकडाउन में हम लोग मंदिर का जो हमारा रूटीन है वो क्लियर रूटीन डेली नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जब मन व्याकुल होता है तो उसका जो पाप लगता है वो किस तरह से होता है। अगर ये इस टॉपिक में आता है तो प्लीज आप एक्सप्लेन करें, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक में आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्लास में पर इसको देखेंगे। अच्छा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैं बस बताने वाला था कि क्या अच्छी चीजों की भी व्यसन
कहलाता है कि नहीं कहलाता है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अच्छे चीजों का व्यसन किस प्रकार से होता है। तो आप उसमें सिर्फ लाइक जैसे पाप बोलते हैं कि पाप इतना होता है ऐसे होता है, तो वो मतलब उसके तीव्रता में भी अगर आप थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है भैया। ओके ठीक है भैया जी, थैंक यू। बस चलिए एंड करते हैं अपन क्लास को भी। ठीक प्रमुख मंत्र बोलकर अपन एंड करेंगे। रमो अरहंताणम रमो से धाड़म रमो आयाडम रमो अझायाणम रमो लोए सब साहुणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।